हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और सारे सिंटैक्स भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सो अगेन वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर इट्स इज ओल्ड और इवन। मतलब एक नंबर आपको यूज़र से इनपुट लेना है और देखना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। अब देखिए, प्रोग्राम के पहले कुछ लाइंस इस स्क्रीन पे आ चुके हैं। जो लिखा गया है पहले लाइन में हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और उसके सेकंड लाइन में लिखा गया है हैश कॉनियो डॉट एच। उसके बाद लिखा गया है वॉइड मेन, मतलब मेन मेथड यहाँ से शुरू हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट के बाद लिखा गया है क्लियर स्क्रीन, CLR स्क्रीन। अब ये लिखते क्यों है? देखिए, इंक्लूड स्टूडियो टीडियो डॉट एच, ये तभी हम लोग इंक्लूड करते हैं जब हमें कोई भी इनपुट या फिर आउटपुट लेना होता है। और कॉनियो डॉट एच मतलब ये जो क्लियर स्क्रीन मेथड देख रहे हैं, ये तभी काम करेगा जब हम लोग कॉनियो डॉट एच ये सेकेंड लाइन में लिखेंगे। अगर ये सेकेंड लाइन मिसिंग होगा तो जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, ये जो फोर्थ लाइन दिख रहा है आपको, ये एरर दिखाएगा। और ये जो आप लोग फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन हर एक लाइन पे लास्ट में डबल स्लैश करके एक नंबर देख पा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? प्रोग्राम में कुछ भी एक स्पेस या फिर कॉमा भी अगर इधर उधर हो जाए तो वो एरर दिखाता है। लेकिन अगर हम लोगों के समझने के लिए हम लोग ये डबल स्लैश दे के कुछ भी लिखे, वो प्रोग्राम के अंदर नहीं आता, वो कमेंट बन जाता है। मतलब हम लोगों के समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं डबल स्लैश देने के बाद। तो डबल स्लैश देने के बाद आप लोग जो भी लिखेंगे, कंप्यूटर वो नहीं समझेगा। मतलब वो कंप्यूटर के लिए कोई भी एग्जीक्यूटिव पार्ट नहीं होगा। अब चलिए प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में भी देखते हैं क्या लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात और, मेन मेथड लिखने से पहले, मतलब कर्ली ब्रैकेट के बाद सबसे पहले क्लियर स्क्रीन दीजिएगा, क्योंकि एक प्रोग्राम में जब भी आउटपुट दिखाता है तो वो अपने आप आउटपुट स्क्रीन क्लियर नहीं करता, उसके लिए हमें क्लियर स्क्रीन करना पड़ता है। के बाद आप लोग देख सकते हैं पांच नंबर लाइन पे इंट एक्स लिखा गया है। ये इंट एक्स क्यों लिख रहे हैं? ये डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर को बता रहे हैं कि एक्स नाम का एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप है। तो यही समझाने के लिए ये सिंटैक्स है, इंट एक्स लिखना पड़ता है। फिर उसके नेक्स्ट लाइन पर, मतलब सिक्स्थ लाइन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर लिखा गया है एंटर अ नंबर। आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट, मतलब कुछ भी प्रिंट करने के लिए हमें यह सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर लिखा गया है एंटर अ नंबर। यहाँ पे आप कुछ भी लिखे वही प्रिंट होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब सेवन नंबर लाइन पर देखिए स्कैन एफ। स्कैन एफ का मतलब होता है कुछ भी इनपुट स्कैन करना। स्कैन एफ मेथड के जरिए हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कैन एफ के अंदर दिया गया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मॉड्यूलस डी। मॉड्यूलस डी मतलब ये कंप्यूटर को समझाता है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है एक्स, यहाँ पर एम परसेंट एक्स, ये एम परसेंट तभी यूज़ होता है जब मेमोरी में कोई इनपुट घुसेगा। इससे आप लोग देख सकते हैं ये सेवन नंबर लाइन। और आप कभी अगर आप कोई दूसरा टाइप का वेरिएबल इनपुट ले रहे हो
स्कैन एफ के जरिए, तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी भी दूसरे टाइप का अगर वेरिएबल हो तो आप लोग उस जगह पर मॉड्यूलस डी के बदले उसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज़, मतलब रेस्पेक्टिव सिंटैक्स के ऑप्शंस दे सकते हैं। आप लोग चाहे तो इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनपुट लेने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये एक्स इवन नंबर है कि नहीं। तो अब हम लोग इफ स्टेटमेंट का सहारा लेंगे। इफ स्टेटमेंट तभी हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों को कोई कंडीशन चेक करना होता है। यहाँ पर एक्स मॉड्यूलस टू, इसे हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब इससे क्या निकलेगा, इससे एक्स को टू से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है वो निकलेगा। और यहाँ पे इक्वल्स इक्वल्स से हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो ज़ीरो होगा कि नहीं। एक इवन नंबर का अगर टू से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर ज़ीरो आए तो वो इवन नंबर होता है। और ये कंडीशन एट नंबर लाइन का अगर सेटिस्फाई होता है तो ये पहला प्रिंट एफ, मतलब नाइन नंबर लाइन प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट एफ के बाद अंदर में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्लैश एन दिया गया है। यह स्लैश एन का मीनिंग होता है कि एक एंटर ये वहीं पे टाइप करेगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा और फिर प्रिंट करेगा द नंबर इज इवन। और अगर ये इफ, मतलब ये एट नंबर लाइन फॉल्स एग्जीक्यूट होता है तो ये एल्स पार्ट में जाएगा और प्रिंट करेगा द नंबर इज ऑड। उसके बाद आप लोग और एक लाइन देख सकते हैं गेट सी एच, जो कि 12 नंबर लाइन पर है। अब सी प्रोग्राम में आउटपुट देने के बाद, मतलब कंप्यूटर आउटपुट देने के बाद वो बस एक सेकंड के लिए ही स्क्रीन पर रहता है, इसीलिए हम लोग ये 12 नंबर लाइन लिखते हैं गेट सी एच। मतलब जब तक गेट सी एच, मतलब कोई भी कैरेक्टर आप कीबोर्ड पे नहीं दबाएंगे तब तक वही आउटपुट स्क्रीन पर होल्ड हुआ रहेगा, मतलब डिस्प्ले करता हुआ रहेगा। अब स्क्रीन पे आप लोग आउटपुट देख ही सकते हैं, एक इवन नंबर के लिए और एक ऑड नंबर के लिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो हेडर फाइल्स मेथड या फिर और कुछ भी प्रोग्रामिंग के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आई बटन में जाके बाकी वीडियोस भी देख लीजिए। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। क्वेश्चन पढ़ के हम लोग ये समझ गए कि हमें सिर्फ दो वेरिएबल लेना है और उन्हें इंटरचेंज करना है बिना किसी थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके। तो ये पढ़ के हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर बस इनपुट और आउटपुट ही लेना है। तो पहले पार्ट, मतलब प्रोग्राम का जो पहले चार पांच लाइन क्या होगा ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये पहले प्रोग्राम के तरह ही होगा। तो हम लोग ये पहले लिख लेते हैं। अब मैं प्रोग्राम का सेकंड पार्ट पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। फाइव नंबर लाइन पे आप लोग देख सकते हैं एम और एन नाम के दो इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। और फिर सिक्स नंबर लाइन पर प्रिंट किया जा रहा है कि m का वैल्यू इनपुट किया जाए। और सेवन नंबर लाइन पर m का वैल्यू इनपुट किया जा रहा है। अब एट नंबर लाइन पर फिर से प्रिंट किया जा रहा है कि n का वैल्यू इनपुट दिया जाए। और फिर नाइन नंबर लाइन पर आप लोग देख सकते हैं कि n का वैल्यू स्कैन किया जा रहा है। अब फिर 10, 11 और 12 पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है जहाँ पर m को पहले m प्लस n पर से असाइन किया जा रहा है और फिर n को m माइनस n पे से असाइन किया जा रहा है और फिर से लास्ट पर m को
एम माइनस एन से असाइन किया जा रहा है और फिर दोनों का वैल्यू प्रिंट कर दिया जा रहा है। ये आप लोग स्क्रीन पर एक सैम्पल आउटपुट देख सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई डाउट हो तो फिर से कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए और आई बटन भी चेक कीजिए।